हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजस्विनी शर्मा आपकी प्यारी पी हूँ। तो आज हम लोग अपने बैगन की हार्वेस्टिंग करेंगे और मम्मी हार्वेस्टिंग में लगी हुई है गाना गाते हुए। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रैना और तुम। तो ये और तुम भी, ये हमने आज की हार्वेस्टिंग की है। हम अभी लगातार हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये है हमारी मेहनत सफल हो गई आज की हार्वेस्टिंग में। हमने इतना सारा, आप यहाँ से देखो, मैं देखती हूँ। ये हमारे 12 इंच के ग्रो बैग हैं और इनमें हमने पौध लगाई थी आज से करीब 2-2.5 महीने पहले। तो 2-2.5 महीने पहले जो हमने पौध लगाई थी, अब उस पर हमें ये बैंगन फ्रूट मिलना शुरू हो गया है। ये बैंगन जो है आप देख सकते हैं, पीयू पकड़ू बास्केट। ये हम आज बैंगन की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। ये हमारा ये बैंगन है और आज जितने भी बैंगन लगे हुए हैं हम सारे ही तोड़ लेंगे। और हमने बैंगन करीब इसमें 4-5 तरह की वैरायटी लगाई हैं, जिसमें डार्क पर्पल, लाइट और वाइट बैंगन भी है। वाइट बैंगन हम आपको दिखाते हैं, अभी ये छोटे हैं। इसके अलावा कुछ बड़े भी हो गए हैं, वो हम देखते हैं कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। क्यों आप मदद करो, ये इधर बहुत सारे हैं। एक तो ये, हाँ ये वाइट लॉन्ग, ये आप देखिए, इस और भी नीचे है, ये देखिए। एक तो ये इतनी गुच्छे में है तो देख नहीं पा रहे। पीयू देखो बेटा, ये इसकी दूसरी वैरायटी है। तो ये तीन तरह के, तो अभी हम इसमें आपको देख रहे हैं, तीनों ही अलग अलग कलर के हैं। बाकी हम और देखते हैं, इस पे देखो कितने गुच्छे में लगे हैं, लेकिन ये छोटे हैं। ये राउंड, तो अभी हम ये राउंड वाला, ये भी थोड़ा, ये वाइट का गोल वाला, गोल वाला है ये देखिए। इसके अलावा देखिए इस पेड़ पे कितने लगे हैं, लेकिन अभी तोड़ेंगे नहीं क्योंकि साइज बहुत छोटा है। अभी ये आ रहे हैं इस पे। चलो पीयू आओ, देखो बेटा कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं ये। है छोटा है, हाँ छोटे तोड़ दो बेटा, छोटे छोटे नहीं, मैं बहुत छोटा है। ये रहा, ये रहा, इधर आ जाओ। और आज हम जितने भी लगे हैं वो सारे, देखो इस पे शायद फ्रूट फ्लाई का अटैक भी है। नहीं नहीं, स्पॉट है। हाँ स्पॉट है वो, तो लेकिन वो नहीं है, उसमें होल हो जाता है। ये बेमौसम बरसात की वजह से है सब। इसमें छोटे भी लग रहे हैं, वो भी तोड़ लो आप। बहुत ज़्यादा छोटे तो नहीं, नहीं ये तोड़ो, जो दोनों ये दोनों तोड़िए, ये तोड़ लो, ये राउंड है, वाइट राउंड। और बैंगन एक ऐसी वेजिटेबल है जो बहुत आसानी से आप इसको घर में लगा सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। आप ये ग्रो बैग 12x12 ले सकते हैं और इसमें आप ये पौध लगा सकते हैं। पौध लगाने के बाद में आपको बहुत ही आसानी से ये 2.5 महीने में, 2-2.5 महीने में, मैक्सिमम 3 महीने में, मतलब आपको ये फल देने लगते हैं। हाँ फल मिलना लग जाता है। हमारे तो अभी देखिए फूल भी काफ़ी आ रहे हैं, अभी बारिश हो गई ना बेमौसम, तो उससे झड़ गया। ये 12x12 का ग्रो बैग है, इसमें हमने आधी मिट्टी, आधी गोबर की सड़ी हुई खाद और नीम खली ये मिलाया था। और अभी दोबारा इसमें करीब 1 महीने की जब पौध हो गई थी, तो उस पौध को इसमें लगाया था, ट्रांसप्लांट किया था। और उसके बाद हमने इसमें एक एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट हर 15 दिन के बाद दिया है, फल आना शुरू हो गया है। अब पूरे जाड़े और पूरे साल भर फल मिलेंगे इससे हमें। बस बीच बीच में इनको थोड़ा खाना देने की ज़रूरत होती है ना, देखना होता है कि मिट्टी में क्या है क्या नहीं है, तो हम थोड़ा थोड़ा इसमें खाद और बढ़ाते रहते हैं, डालते रहते हैं, गुड़ाई नड़ाई। चलिए अपने लायक हो गए, मैं समझता हूँ आज का तो हो गया काम। हम हमारे पास येलो वाला भी था और हमें वो येलो वाला शायद खराब हो गया, येलो वाला खराब हो गया था। देखो दिखाता हूँ मैं, येलो वाला भी बैगन भी था जो येलो कलर का है, वो मैंने आज ही सुबह तोड़ के फेंका था कहीं। मेरा येलो, येरा, 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 नहीं नहीं ये पड़ा हुआ है, ये रहा, ये खराब हो गया था, ये येलो कलर का है।
नहीं ये तो ये वाला येलो कलर का वो तो ये तो वाइट का ही खराब हो गया, येलो भी था लेकिन ये खराब हो गया, तो हमने सुबह ही इसे निकाल दिया कि और ज्यादा खराब ना हो जाए इसके प्रभाव में।